कहा गया सफलता का जो मूल मंत्र है, सफलता जहां से चलना शुरू होती है, ये मिलता है तो समय है। अगर समय से चलना शुरू कर दिए, समय को हमने चलना शुरू कर दिए, तो 110% सफलता आपकी कदमों में रहेगी। एजुकेशन है वो ट्राइपोलर जो है, वो पॉइंट आप एंगल पढ़े हैं जहां तीन पोल का होना बहुत जरूरी है। जब तक तीनों पोल आपस में मिलेगा नहीं, हम ट्राइंगल नहीं बना सकते। एजुकेशन में भी यह है, एक विद्यार्थी, यहाँ तीनों लोग बैठे हैं, सामने विद्यार्थी है, अभिभावक है और हमारे शिक्षक भी, और ये तीनों का अगर पॉजिटिवली कोऑर्डिनेशन है, पॉजिटिवली कोऑर्डिनेशन, तो वो बच्चे, वो संस्थान आगे बढ़ रहा है, बच्चे भी अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है। अगर बीच उस तीनों में से कोई एक गायब हो गए तो शायद वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं अधूरा हो जाएगा। और शिक्षा का मतलब ये नहीं होता कि आप कॉपी किताब ढूंढ रहे हैं, शिक्षा का मतलब ये होता है कि अंदर के जो आपके अंदर जो छुपा हुआ गुण है, उस गुण को हमें एक आकार दें। जब तक उसको आकार देने के लिए किसी की सहायता पड़ती है, हमारे आसपास रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, उस रॉ मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, एक जगह जमा करके उसके साथ समय दे करके हम उसको एक आकार देते हैं, एक स्वाद देते हैं, तब जाके हमारे सामने आता है। हमारे पास हिंदी के बहुत सारे अक्षर हैं, इंग्लिश के बहुत सारे लेटर रहे, गणित के बहुत सारे ऐसे डिजिट रहे, जिनको हम पिरो करके मिला करके आज इतनी किताबें लिखती है। पहले तो एक ही आया था, उस ए से लेके जेड तक आपकी पूरी किताबी यही ए जेड घूम रहा है, इससे फालतू कुछ नहीं है। अगर मैथ की बात करें तो जीरो से लेकर के नाइन तक ही घूम रहा है, इससे फालतू कुछ नहीं घूम रहा है। अगर हम हिंदी की बात करें तो वहां पर जो वर्णमाला है वही आपस में जुड़ करके नए नए शब्दों का निर्माण कर रहा है, हाँ या नहीं? करा, कोशिश कर हल निकलेगा, इधर ध्यान देना, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिलों में उम्मीदों को गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा चल निकलेगा, चल निकलेगा, चल निकलेगा।